वैभव लक्ष्मी, ये तो सबको सर्वविदिती है कि वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। यह वह व्रत है जिससे समस्त मनोकामनाएं, जो भी हम मन में इच्छा लेके व्रत का संकल्प लेते हैं, हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हम इन्हें 5, 11, 21, 51, 101 कितने भी गिनती में रख सकते हैं, जो हमारे मन में जितनी श्रद्धा हो, जैसी मनोकामना हो। सबसे पहले इस व्रत के लिए माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी के स्वरूप को एक चौकी पे स्थापित करा। फिर मैंने श्रीयंत्र को स्थापित करा, आप भी स्थापित करेंगे। ये हलवे का प्रसाद बनाया है, और जब हम उद्यापन करेंगे, हमारी इच्छा पूर्ण होगी, जितने भी हमने व्रत लिए उसके आखिरी व्रत के संख्या वाले दिन हम उद्यापन करेंगे, उस दिन खीर बनती है, नहीं तो आप हलवा भी बना सकते हो। ये माँ के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करा है। ये जल का कलश है जिसमें गंगा जल हमने डाल दिया थोड़ा सा। अब माँ जगदम्बा को रोली का तिलक करेंगे, जय माँ जगदम्बा। अब श्रीयंत्र में भी माँ टीका करेंगे, और बचा हुआ तिलक अपने लगाएंगे, और पास में कोई भी बैठा है उसके तिलक लगाएंगे। ये माँ जगदम्बा को आज के दिन स्पेशली वैभव लक्ष्मी माँ वाले दिन लाल रंग का गुलाब का फूल, चाहे कैसे भी मिले, मेरे को भी मिल नहीं रहा था, कहीं से भी लेके आई, क्योंकि सुबह सुबह दुकान नहीं खुली थी, श्रीयंत्र और माँ जगदम्बा के आगे अर्पित करेंगे। फूल हमेशा देखिए, फूल या फल ऐसे अर्पित किया जाता है, ऐसे जैसे कि पेड़ में लगता है। आप देखिए, फूल ऐसे ऊपर की साइड लगता है, इसलिए ऐसे अर्पित करते हैं। फल अर्पित करना हो तो हमेशा मुंह ऊपर की साइड, जो उसका नक्कुसा होता है, और जैसे पेड़ में लगता है वैसे अर्पित करना चाहिए। अब इसके बाद हम माँ के 8 स्वरूप होते हैं, उनको प्रणाम याद करेंगे और प्रणाम करेंगे। जय धन लक्ष्मी माँ, हे गज लक्ष्मी माँ, हे अधिलक्ष्मी माँ, हे विजया लक्ष्मी माँ, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हे वीर लक्ष्मी माँ, हे धन्य लक्ष्मी माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ। इन 8 जो लक्ष्मी माँ के स्वरूप है, हमने सब कुछ मांग लिया जो कि हमें जीवन में चाहिए। इस व्रत में कोशिश करिए, जैसे कि मैंने धारण करे हैं, लाल वस्त्र धारण करें। सफेद रंग भी माँ को बहुत पसंद है, लाल और सफेद का कम्बिनेशन मैंने अर्पित करा है, ग्रहण करा है। आप साड़ी भी पहन सकते हैं, सूट भी, जो भी पहनना चाहें पहन सकते हैं। ये दोनों ही सफेद और लाल माँ के रंग हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, माँ का एक श्लोक उच्चारण करेंगे। या रक्तांबर भुजवासिनी विलसिनी चंडासु तेजस्वनी, या रक्ता रुधिराम्ब्रा हरि सखी, या श्री मनोल्हादिनी, या रक्ता कर मंथ नाथ प्रग्र तीथा विष्णु सव्या गेहिनी, या माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती लक्ष्मी माँ। इस श्लोक के का मैं आपको हिंदी रूपांतरण भी बताना चाहूंगी। जो लाल कमल के पुष्प विराजमान हैं, जो अतुल्य कांति वाली हैं, जो जिनका महातेज है, जो समस्त लाल वर्ण है, जिन्होंने लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान को प्रिय हैं, जो कमल पर विराजित हैं, जो अतिशय पूजनीय हैं, हे माँ लक्ष्मी सबकी रक्षा करें, मेरी भी रक्षा करें। हे माँ लक्ष्मी माँ, आज जिस मनोकामना से मैंने व्रत अपने शुरू करे हैं, उसे अवश्य पूर्ण करें, और आखिरी दिन मैं आपका उद्यापन करूंगी, उसमें 7 सुहागनों को या 7 कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को जिमाना चाहिए आप उसमें, और मैं भी 7 किताबें खरीदूंगी, ये वैभव लक्ष्मी माँ की लाल रंग से लिखी हुई जो हों, और साथ में एक एक डिब्बी में हलवा या खीर आप कुछ भी रख के दे सकते हैं उन सुहागनों को या कन्याओं को, जो भी आपको आराम से मिल सके। 7 कन्याएं या सुहागिन जिमानी हैं।
जय माँ लक्ष्मी माँ। आपके मन में जो भी मनोकामना हो वह धारण करें। मैंने अपने मन मन में अपनी मनोकामना बोल ली, आप भी ऐसी मन में बोलें। घी का दीपक का आप ध्यान रखेंगे वह प्रज्वलित रहे, अगर घी कम रखे तो फिर से उसमें घी डालते रहेंगे। इसमें कोई नियम नहीं है, इस व्रत में आपने जितने का भी संकल्प लिया, अगर कहीं शादी ब्याह में जाना पड़े, घर में सुतक लग जाए तो आप इसे छोड़ सकते हैं। गिनती के व्रत होते हैं वह करने हैं। इसमें आपने कभी किसी दूसरे के घर जाके व्रत नहीं करने हैं, अपने घर में ही व्रत करना है। किसी दूसरे का भोजन नहीं खाना है, अपने ही भोजन, अपने हाथ का पकाया हुआ अपने घर का ही भोजन खाना है। इसे स्त्री व पुरुष कोई भी रख सकता है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, माँ सबको पूर्ण आशीर्वाद देती हैं। इसके 12 बजे के बाद मतलब संध्या काल में 4 बजे के आसपास इसकी कथा करें और कथा के बाद भोग लगा के फिर अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप इसमें नमक भी ले सकते हैं, कुछ भी, बस लहसुन प्याज या मांसाहार का प्रयोग नहीं करना है। किसी प्रकार का अपना साधारण घर का भोजन ग्रहण करें, सात्विक भोजन, आपको माँ का सदैव आशीर्वाद मिलेगा। ये व्रत कभी नहीं खा ले जाते, आपके मन में बस किसी का बुरा ना सोचे, अपने कार्य सिद्धि के लिए व्रत करें तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जय माँ लक्ष्मी। मैं कथा आरंभ करने जा रही हूँ। मैंने भी व्रत रखा हुआ है। एक बड़ा शहर था, उस शहर में ना जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार के तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी उनको किसी तरह से भी दो समय की रोटी मिल सके, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करें बस, और प्रभु के गुण गाएं। मतलब उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं था, जैसे आजकल है, हाय तौबा लगी रहती हमें पैसे की, हमारे पैसे कहते हैं ना, इतना पैसा ही, इतना पैसा दीजिए मैं भी खाऊं और मेरा कुटुंब भी उसमें समाये, बस हमारी ये इच्छा होनी चाहिए। लेकिन वैसे कभी हमारी कोई काम अटक जाता है तो उससे माँ से विनती करें। वैसे देखा जाए तो हमारे मानवों की कभी इच्छाओं की कभी पूर्ति ही नहीं होती है। शुरू में हम यही सोचते हैं दो समय की रोटी मिल जाए, लेकिन प्रभु इसी प्रकार हमारी यही मनोकामना रहे हमेशा, लेकिन प्रभु के पास जाती फिर हम अपनी नई नई इच्छा करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। दो समय की रोटी तो हमें मिलती है, लेकिन फिर बाद में विचार करते हैं हमारी आय बढ़े, काम बढ़े, धन बढ़े, बढ़िया मकान हो, कपड़े हो, कार हो, स्कूटर हो, जो कि नहीं अच्छा होता। लालसा बढ़ती रहती है। भूख की भी एक सीमा होती है जिसे खाना खाने से पूरा किया जा सकता है, परंतु लालसाओं की कोई सीमा नहीं होती। मानव जीवन में एक ही सीमा होती है, हम कितना लाखों करोड़ों में कमा ले लेकिन हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। हमारा इतना मानव जीवन जो है इतना मूल्य है, हमें भविष्य में कितनी इच्छाओं का बोझ हम लाद लेंगे, लेकिन हमारे पर जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसे नहीं निकालेंगे। हे प्रभु, आप उन्हें हमें जीने की उनके बिना हमें जीने की इच्छा डाले कि हमारे में मोह, अंधकार, अहंकार ना हो, पाप की परछाई भी हमारे ऊपर ना हो। धर्म व्यापार तो हमेशा बढ़ता रहे, अधर्मी से हम दूर रहे, हमारी अच्छी संगति में ले। एक बड़े शहर में, अब मैं कथा शुरू करने जा रही हूं, एक बड़े शहर में धर्म कर्म तो बहुत अधिक था। इसी शहर में एक मोहल्ले में सुशीला और गोपाल नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था, इसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही उनका छोटा सा घर था। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था, सुशीला घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था, मोहल्ले की स्त्रियां भी उससे अक्सर कहती घर की सफाई रखना कोई हमारी सुशीला बहन से सीखे। यह बात तो सुशीला भी जानती थी कि शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं, इस दुनिया में होता यही है। लेकिन कहते हैं अभी भी पुण्य कर्म के कारण ये धरती टिकी हुई है, कुछ पुण्य लोग हैं। अड़ोस पड़ोस में कुछ स्त्रियां ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी, दूसरे के घरों में ताकझाँक करती, उनकी बुराइयां करती थी। सबसे पहला काम था अपने घर की भली खबर ना हो दूसरे के मोहल्ले में जागते रहना।
सुशीला को उनकी ये बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिलता था, दूसरा उसका पति, सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु उन्नति के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती रहती थी और मंगलवार को वह बहुत मांगती थी हनुमान जी का व्रत रखे और प्रसाद पति की दीर्घायु के लिए देती थी। मोहल्ले की जुगल को स्त्रियां तो सुशीला की अच्छी आते उसे पसंद नहीं थी। वे तो कहती थी सुशीला में बड़ी अकड़ है, किसी से बात नहीं करती, शायद इसलिए ना कि वह बहुत सुंदर है, सुंदरता का बड़ा गर्व है उसे, ना ही ये पता था कि मोहल्ले में रहते हैं उससे साधारण किसी से खास बात नहीं करती थी, अगर किसी पे दुख आ जाए तो दुख बांटने का काम करती थी। राधा, सुशीला का एक नाम राधा भी था। राधा की और सुशीला कुछ भी नाम बोल सकते हैं। आपकी बड़ी बहन बजनी थी, बजनी को पूरा पोले मोहल्ले को अपनी उंगलियों पे नचाती थी। बजनी ने अपनी एक कीर्तन मंडली बना रखी थी जो घर घर जाके कीर्तन करती थी। सुशीला को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती थी। यही कारण था कि सुशीला ने कई बार उसे टोकते हुए कह दिया, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम राम भजनी है, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि पूजा और कीर्तन के समय किसी की चुगली मत क्या करें, किसी की बुराई मत क्या करें। आप इस समय प्रभु का नाम लें, आपका जीवन सफल होगा, बुराई से बच जाओगी। सुशीला की इतनी बात सुनते ही बहन बजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या मुझे बताएगी मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से थापती थी, आज शहर में आके मुझे सिखाने वाली हो गई, गवार कहीं की। सुशीला फिर भी सुन के रह गई। उसने कहा, देखो बहन, मैं गवार हूँ या कुछ भी हूँ, प्रभु भक्ति में पूर्ण विश्वास है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलक या चिमटे बजाने से नहीं, सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सुनो। मैं प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में रहता हूँ, परमात्मा ये कहते हैं, तुम मेरी तलाश मत करो, बाहर क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लो, अपनी आत्मा में मुझे तलाश करो, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इसे सुशीला अच्छी तरह जानती थी और हर लोगों को बताती रहती थी। इस बात को सुनकर राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा या दोनों का एक ही नाम, राधा या सुशीला एक ही स्त्री का नाम था, मजाक उड़ाने लगती थी। सुशीला जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले, इनकी पूजा केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन काले हैं और खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इनकी मंडली खूब धन कमा रही है, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट छीन कपट हो रही है। सुशीला को इन सब से अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और इन लोगों से दूर रहने लगी। वह अपने घर में अपने भगवान का नाम लेती थी, कभी कभी मंदिर चली जाती, लेकिन कीर्तन मंडली से उसने कोई संपर्क नहीं रखा। उधर गोपाल, बस ये बुरी बात हुई कि भगवान की परीक्षा की भी हद होती है। गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि वह बुरी आदतें लग गई। शुरू शुरू में उसने अपने आय को अपने बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर से आग लगी तो वह कब तक बच सकता था कि बुरी संगति का बुरा असर ही होता है। कुछ संगति हमेशा खराब होती है। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा माल में जो पूरे मास मेहनत करने पे जो कुछ मिलता है उसे घर की 2 समय की रोटी चलती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लत्ते सब कुछ उस वेतन से ही चलता था। लेकिन जब उस वेतन से शराब पी ली जाए, गांजा खा लिया जाए, जुआ खेला जाए तो वह घर कैसे चलेगा? सुशीला बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टा उसे मार पड़ती, बहुत मारता उसे, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना एक हल्ला मचाता कि लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता। जा और पूजा कर, और पूजा कर, जब भी तेरे को मार खानी पड़ रही है। वह अंधी अरंधर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अब मंदिर भी जाने की उसमें हिम्मत नहीं रही। अपने घर
मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती और इस और उस सभी को कोई उसे सहारा न देता, सब उसका मजाक उड़ाते। वह तो अकेली पड़ गई थी, ले लेकर उसे प्रभु का ही सहारा था, दुर्गा माँ का ही उसे सहारा देंगी। माँ लक्ष्मी इस घर से रूठ चुकी थी, गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना छोड़ी, माँ लक्ष्मी के ध्यान में लगी रही। उसे पूर्ण विश्वास था एक बार माँ उसके संकट दूर करेंगी, उसकी मनोकामनाएं सब पूर्ण करेंगी। एक दिन जब वह घर में खाने को कुछ भी नहीं था उसके पास, वह दो दिन से भूखी थी। जिस दुकान से उसे खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपये ही नहीं चुकाए गए थे। इस युग में जिसके पास लक्ष्मी नहीं उसका कोई नहीं। वो सुशीला माँ की तस्वीर के आगे बैठकर हाथ जोड़े बैठी रो रही थी। माँ उसकी आंखें टपकने आंसू देख रही थी, उसके हृदय में दुख जान गई थी। सुशीला रोए जा रही थी, साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है, मैं दो दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। माँ ने लक्ष्मी जी के पास बैठकर अपना दुखड़ा रो रही थी, परंतु जो उस माँ का दूसरा ही स्वरूप जिसे संसार में माया कहा जाता है, वे इस घर में नहीं है। इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। जिसके पास धन नहीं उसकी कोई इच्छा नहीं पूरी नहीं होती माँ, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। माँ कृपा करो, इस घर को बचा लो, अब आप ही मेरा अंतिम सार है, मुझे बचाओ, मैं आपके चरणों में जान दे दूंगी, अब मेरा अंतिम निर्णय, कहती हुई सुशीला माँ के चित्र के आगे ही गिर पड़ी। उसी समय घंटियां बजने लगी, घर की शंख की आवाज आने लगी। अपने आप करिश्मा देखिए माँ का आप, सुशीला के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा तुम्हारी आराधना सफल हो गई, तुमने इतने बड़े संकट से भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कभी कमी नहीं करी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुशीला, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूर्ण उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी, दूसरा तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, तेरी अग्नि परीक्षा ही थी, तूने उसमें ठीक उतरी है। हे जगत माता, मैं आज तक आपसे बहुत जरूरी पड़ा, जब भी मांगा है, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ, आज पहली बार आपने इस घर में खुशियां मांग रही हूँ माँ, जो भी मेरे मनोकामना है माँ उसे पूर्ण करना, जितनी भी जन की जरूरत है जितना जरूरी आप दे दे माँ। माँ ने कहा जाओ बेटी अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के दरवाजे खोल देती हूँ, उठो अपने घर के द्वार खोलो। राधा या सुशीला घर के अंदर अंदर जाने लगी तो देखा कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी, वह माँ लक्ष्मी के चरणों में उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई, सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी सुशीला जय माँ लक्ष्मी जी बोलो, वह बोली जय माँ लक्ष्मी। सुशीला ने पूरी शक्ति से कहा देखो बेटी मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर से आया हूँ, माँ के आशीर्वाद से यहाँ दो बोरी आटा साथ में दाल चावल यह सब कुछ खाने के सामग्री तुम्हारे घर पहुँचाने के लिए आदेश हुआ है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं, माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण धोती हूँ माँ। माँ आपने महाराज जी को भेजा, आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी ये इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए आप अपने मन में शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना, माया को तिजोरियों में बंद करने से वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी माँ को अपने घर प्राप्त करना चाहती हो, लक्ष्मी माँ का व्रत करो, इस व्रत के प्रभाव से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारे घर के सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी मुझे इस व्रत की विधि बता दो, मैं तो माँ की उपासना बचपन से करी किंतु मैं व्रत की विधि नहीं जानती। तो पुजारी जी ने जैसा बताया सुनिए, देखो बेटी लक्ष्मी माँ का व्रत बहुत सरल है, इसे वैभव लक्ष्मी माँ कहा जाता है।
जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसे हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने करने से उनका व्रत का फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता। ये कहते फिरते हैं सोने के गहरे, हल्दी, कुमकुम की पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि विधान नहीं किया जाता उसका फल शून्य हो जाता है। यह सब कुछ कहने से यह आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रख के उनकी उपासना अवश्य करें। मैं देखिए सोना रखना भूल गई हूँ। अभी सोने की अंगूठी जो मैंने पूजा घर में हमेशा से ही रखी हुई है उसे भी अर्पित करेंगे, कि सोने की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनको भी टीका करेंगे, मैं रखना भूल गई थी, मैंने टीका कर दिया। जय माँ लक्ष्मी की। अभी कथा करने लगी तो याद आया, देखो माँ लक्ष्मी ने याद करा दिया। आप माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धो के साथ साफ सुथरे कपड़े पहने दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय माँ से ही प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी माँ, शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पे बैठे। अभी वही देखो, पूर्व दिशा में मैंने मुंह करा हुआ है और शाम का समय हो रहा है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना जैसे मैंने करी, आप देखिए उनके आगे चावलों की ढेरी लगाए एक, और उस पर सोने का जेवर स्थापित करें। अब देखिए चावल की ढेरी भी, क्योंकि मैंने बहुत समय बाद ये व्रत शुरू करा है, अब मुझे जैसे जैसे याद आ रहा कर रही हूँ, चावल चढ़ा दिए, उन पे सोने की स्थापना कर दी। आप शुरू में ही कर लीजिएगा। यदि सोने का जेवर हमारे पास ना हो तो चांदी का भी रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी के चरणों में हमने गुलाब चढ़ाना चाहिए जो कि अर्पित कर चुके हैं, फिर माँ की जोत प्रज्वलित करें जो कि हम कर चुके हैं। माँ लक्ष्मी माँ के अनेक रूप हैं, परंतु इनमें सारे रूप षड्यंत्र में वास करते हैं जो कि षड्यंत्र हमने स्थापित करा है। माँ सभी भक्त षड्यंत्र में माँ के दर्शन करें, समझ ले माँ के हर रूप के दर्शन हमने कर लिए। माँ पूजन के समय भी षड्यंत्र को ना भूले। सबसे पहले आपको आराम से बाजार से जाएं, कैसे भी षड्यंत्र आराम से मिल जाता है। इसके बाद क्या करें, माँ से विनती करें, आप हमारी खाली झोली भर दें माँ। इसके पश्चात जो हमने हलवे का प्रसाद बनाया है वो माँ के चरणों में रखें, मैंने पहले से ही रख दिया है। यह व्रत हम कितने भी दिनों तक रख सकते हैं, सबसे पहली बार 5 दिनों तक रखते हैं। इसके बाद ये जो चावल हमने रखे हैं व्रत के बाद, चावल उठा के हम कीट पतंगों को दे देंगे। पक्षियों को नहीं खिलाना चाहिए, वो अपने अंडे छोड़ देते हैं। इसके बाद जब व्रत पूर्ण हो जाए तो उसके बाद उद्यापन करके, जैसे मैंने शुरू में बताया था, माँ लक्ष्मी की 7 किताबें सुहागनों या कन्याओं को बांटें और अपना व्रत संपूर्ण करें और माँ से विनती करें। माँ आप हमारी इच्छा पूरी करें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। माँ सदैव सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। अब ब्राह्मण ने सारी विधि बता दी, फिर कहा, बस बेटी सभी प्राणियों के लिए कल्याण का मार्ग है, तुम भी षड्यंत्र का पूजन करो, तुम्हारे पति अवश्य ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप कष्ट से छूट जाएंगी। ये कहते हुए पुजारी जी चले गए। सुशीला ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा ली उसे, और दालों को भी अंदर रखवा लिया। माँ लक्ष्मी की का वो प्रसाद समझ के उन्होंने अपने पास रख ली, और परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके पास धन की कमी थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसके हालत देख के उसकी सहायता की है, ये कैसे भूल सकेगी वह। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी के व्रत शुरू करूंगी। दूसरे दिन से सुशीला ने शुक्रवार को व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ ने माँ से विनती करती रही। फिर रात्रि के समय भी वह लक्ष्मी व्रत का पाठ करके संध्या के समय घर या आए अपने पति के चरण चुके, उन्हें प्रसाद खिलाया, उन्हें उसके पति को वे प्यार से सीने से लगा लिया और कहा, मैं पत्नी को लगा लिया, मेरी सुशीला तुम तो सचमुच देवी हो, देखिए आप कैसे हृदय परिवर्तन हुआ उसके पति का।
मैं ही पापी था जो आज तक देवी को उल्टा समझा। मैं उसका देवता कभी नहीं बना, मैं राक्षस बन के रहा। आज मेरी आंखें खुल गई, अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में रहूंगा। मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए हैं। सुशीला ने उनके चरणों में विनती करी और माँ आपने मेरे लिए सारे सर खजाने खोल दिए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। आज से मैं आपके 21 व्रत करूंगी। आप कितने भी संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि आपको जल्दी है तो कम व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। मुझे जल्दी थी तो मैंने 5 वैवलक्ष्मी माँ का संकल्प लिया है। मुझे पता है माँ उसमें मेरी इच्छा पूर्ण कर देंगे। आपकी मर्जी, आप कितना भी, सबसे कम 5 का जरूर व्रत रखना चाहिए। हे माँ, सबका कल्याण करो। अब गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर कहा, देखो सुशीला, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के सागर से निकाल दिया, मैं भी उनकी 21 व्रत करूंगा। सदैव घर में उनकी पूजा करूंगा। अब सुशीला ने अपने पति के चरणों में सिर रख दिया। हे मेरे देवता, मैं प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से आज मुझे जीवन मिला है। माँ लक्ष्मी, जैसे आपने सुशीला की मनोकामना पूर्ण करी, वैसे माँ लक्ष्मी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी की, जय माँ लक्ष्मी की, जय माँ लक्ष्मी की। आप श्री सुक्तम की भी जो 16 ऋचाएं हैं वह भी कर सकते हैं आप। अब माँ लक्ष्मी का देखिए, दीपक में घी खत्म हो रहा है, उसमें ध्यान रखना है आपने। दीपक में हमने घी डाल दिया क्योंकि अभी थोड़ा सा और भी बचा है। इसके बाद हम माँ की आरती करेंगे। ये जो जल का कलश था थोड़ा पीछे रखेंगे यहाँ पे आरती के लिए। देखिए कपूर की आरती होगी जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। माँ की आरती में कभी घंटा नहीं बजाना चाहिए। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। अभी मैं शुरुआत करती हूँ। कोशिश करें जो ज्योत प्रज्वलित है उसी से कपूर को प्रज्वलित करें, वही ज्योत लेनी है माँ की। ज्योति स्वरूप माँ ही बैठी है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी, माथे में सिंदूर, सोए मूसे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, अंधन को आंख देन, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देन, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो, शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो, जय बलिहारी। सुबह से भूखी हूँ, जैसी भी जिस भाव से मैं गा सकी, मेरी कोई अच्छी आवाज तो नहीं है, भूखी हूँ, हिम्मत नहीं है, मैं बिल्कुल लाइव ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मेरा भी आज व्रत है, जैसे मेरे से बन पड़ा वैसे मैंने गणेश जी की स्तुति गाई। माँ लक्ष्मी अपनी आरती ग्रहण करें। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुम को ऋषि दिन से आव सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा द्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, क्रम प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सदगुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होए वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोधति जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, रतन चतुर्भुज तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। अब आरती को शांत करेंगे। अपने ऊपर भी, अपने साथ में बैठे हुए सब पे जल का छिड़काव करेंगे। आरती भगवान को देके खुद ले लेंगे। शांत हो चुके, आरती को एक तरफ रख देंगे। अब हम माँ का भोग लगाएंगे। भोग हमेशा हाथ से लगाना शुभ रहता है। भोग लगाएं मेरी माता ईश्वरी, आप भोग लगाएं तो सारे सुखी हो जाएं, मनोकामना पूर्ण हो जाए, सबका भला कर। मेरे पास जैसे भाव है मैंने माँ बोल दिया, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना आता। इस भोग को अग्नि में अर्पित करें, भोग लगाएं। स्वामा स्वामा स्वामा। पितरों को भी के बिना हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। पितर देवता भोग लगाएं स्वधमा के रूप में। स्वधा और स्वाहा, अग्निदेव की जो पत्नी है, देवताओं के पूजन में स्वाहा माँ का आह्वान होता है और पितरों के पूजन में स्वधा माँ का आह्वान होता है। हमारा भोग लग गया, ये जल जाके तुलसा जी में हम चढ़ा देंगे और भोग अभी भोजन ग्रहण करेंगे, परिवार के सब सदस्यों को बांट देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे मेरी माँ ने हमेशा ही मेरी मनोकामना पूर्ण करी है, इस बार भी करेंगी और समस्त व्रत करने वालों की मनोकामनाएं माँ पूर्ण करें। इसके साथ ही मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेके तुलसा जी में जल चढ़ाने को जाऊंगी। अब भोग भी मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि परिवार के सदस्यों को बांटना है। ये घी का दीपक माँ के आगे अर्पित रहेगा। हम संध्या समय कभी भोजन कर सकते हैं, अभी भोजन बनाऊंगी जाके, फिर भोजन ग्रहण करेंगे। माँ लक्ष्मी का जो जल था वह लक्ष्मी माँ की पूजा में रखा था, तुलसा जी को अर्पित कर देंगे हम। जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ। अब जो हलवे का भोग था थोड़ा सा, नहीं तो चींटियाँ आने का डर रहता है, धीरे से माँ को अर्पित करेंगे। जय माँ लक्ष्मी। अब अपने परिवार में बांट देंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। जय माँ लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।